लगा आप लोग को कोई बुजुर्ग सा आदमी आएगा, गंदे से कुर्ते पजामे पहन के, धोती पहन के। खैर गलती नहीं है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, सारे नेता ऐसे ही होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र मेरा, कि ये सरपंच बनने की मैंने कैसे सोची और कैसे मैं इस फील्ड में आया। वरना मैं भी ये जो सबसे बदमाश बच्चे पीछे बैठे होंगे ना, मैं भी उनमें से एक था। देखिए इस फोटो को आप, 2015 की फोटो है ये, मैं यूनिवर्सिटी में था। अब इसको देख के क्या लगता है क्या बनेगा? कोई कहेगा मॉडल, कोई कहेगा तो कुछ करेगा ही नहीं, कोई कहेगा घर पे बैठेगा, मूवी देखेगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, वीडियो गेम खेलेगा। मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करूँगा अब। चलिए ठीक है, अब हमने सोची सरपंच बनने की। दरअसल मुझे शुरू से ही दो ही चीज़ें करनी थी, या तो मुझे एक यूनिफॉर्म जॉब करनी थी या मुझे एक पॉलिटिशियन बनना था। बट फॉर्चुनेटली मैं 21 साल का हुआ और इलेक्शन आ गए। मैंने कहा चलो शायद ऊपर वाला चाहता है मैं नेता ही बनूं। तो मैंने शुरू किया अपने गांव से, जैसे कि बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। मैं अपने घर में गया, मैंने अपने फादर को बताया कि जी मुझे सरपंच बनना है। वो बौखलाया, कह रहे ये कैसी बातें कर रहा है, इसे क्या ज़रूरत है सरपंच बनने की, भाई कोई काम कर ले, बिजनेस कर ले, धंधा कर ले। मैं कह नहीं जी मुझे सरपंच ही बनना है। सबके घर में बैठक होती है भाई, सारे बुजुर्गों को बिठा देते हैं, सारे अड़ोसी पड़े थे, भाई ये लड़के ने क्या बवाल कर दिया है, तो सरपंच बनने ही कह रहा है, इसे कोई समझाओ। रिश्तेदारों ने बोला। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो सरपंच ही बनूंगा और मुझे इलेक्शन लड़ने, कोई बात नहीं हार जाऊंगा क्या होता है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं अपने घर वालों से रेस जीत गया, अब मैं आया मैं मैदान में। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ, अब बताइए इसको कौन वोट देगा? सीरियसली अब प्रॉब्लम सारी आगे खड़ी हो गई यहाँ। भाई ये 21 साल का लड़का, चेहरे पे इसके मासूमियत, थोड़ी बहुत फोटोग्राफर ने एडिट कर रखा है वैसे, चेहरे पे इसके मासूमियत, अब इसे वोट कौन देगा? और इसकी मतलब क्या एजेंडाज होंगे, इसे क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब क्या लोगों की मदद करेगा ये, क्या? गांव में तो भी बहुत होता है ना भाई, बड़े छोटे से बात करने का, कि बुजुर्ग है भाई, बुजुर्ग है तो उससे बुजुर्ग की तरह बात करना है, उससे आप फ्रेंड की तरह बात नहीं कर सकते। भले सब लेके नाम लेके बात करते हैं, लेकिन आप ना उस बुजुर्ग को अगर आपने ग्रीट नहीं किया ना, तो आप भाई सबसे बदतमीज़ गांव के इंसान हो। ऐसा है हमारे गांव में और सब हर जगह होता है। फिर धीरे धीरे मैं निकला, जनसंपर्क बढ़ाया मैंने लोगों से मैंने मिलना शुरू किया, बुजुर्गों से, मतलब कि हर युवाओं से मैंने जगह जगह बैठ के लोगों से बात करनी शुरू की। मैंने कही देखिए भाई आपको मेरी क्यों ज़रूरत है और मुझे आपकी क्यों ज़रूरत है? आपको मेरे की इसलिए ज़रूरत है कि मैं एक आज का युवा हूँ, मैं आज की मैं राजनीति समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग की मदद करूँ। मदद इन द सेंस की एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। जैसे कि भारत सरकार ने निकाला है कि आपका वो स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट आप ढूंढो मत, आप क्रिएट करो। एज इन कि कोई टेलर है तो आप जॉब मत ढूंढिए, अपनी एक छोटी सी दुकान खोलिए, आप टेलरिंग करिए उसमें। महिलाओं के लिए जैसे कि हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, पापड़ बनाना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो वो करिए। तो मैंने उन सबको वो चीज़ें समझाई, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, लोगों से मिलता रहा, जनसंपर्क करता रहा। अब मैं जीत गया फिर इलेक्शन, ये मेरे इलेक्शन जीतने की फोटोज़ हैं। मैं इलेक्शन जीता, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था मैं सरपंच बन गया। वैसे मैं आपको बता दूं, आज 4 साल हो गए हैं मेरी सरपंची को। तो 4 साल पहले आप सोचिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ मैं ऐसे मंच पे खड़ा होऊंगा और आप लोग के सामने एक ऐसी एक मतलब कि मेरे भाषा में कहेंगे तो भाषण दूंगा और आप लोग शायद मेरे से प्रेरित हों। तो मैं जीत गया, सरपंच बन गया, आगे चलें। अब हमने मैं उन धीरे धीरे उन लोगों के एक परिवार का हिस्सा बन गया, वो मेरे परिवार का हिस्सा, मैं उनके परिवार का हिस्सा, उनके सुख दुख में आना जाना, चीज़ें अब यहाँ से शुरू हो गई। अब जब चीज़ें शुरू हुई तो मैंने वापस अपना रिवाइंड गया और मैंने सोचा कि मैंने इनसे वादे क्या किए थे, मैंने इनसे क्या क्या करा था, क्या क्या बातें करी थी और इन्होंने मुझे क्यों चुना है। मेरा पहला मुद्दा था एजुकेशन का। एजुकेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वो सोचना पड़ता है और मैं बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो कर सकूँ वो करूँ। मेरे गाँव में जब मैं सरपंच के लिए कंटेस्ट कर रहा था, तो उस वक्त मेरे गाँव का 0% क्लास 10th का रिजल्ट था। मेरे गांव का स्कूल माध्यमिक विद्यालय है, क्लास 12th तक का है,
बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर उसमें नहीं है तो बच्चों को दूसरे स्कूल मतलब दूसरे गांव जाना पड़ता है ऑल द वे 2-3 to 4 kilometers एंड दे हैव टू वॉक ऑल द वे. तो उसके बाद हमने लड़कियों को हमारे एक मुस्लिम डोमिनेटेड गांव है हमारा मुस्लिम बाहुल्य गांव है तो जैसे कि हमारी कम्युनिटी में लड़कियों को पढ़ाते नहीं है मतलब कि लड़की है घर का काम करेगी भैंस का गोबर खाना ये सब वो बट वो नहीं चलेगा अब ख़त्म भाई अब तो पढ़ाना पड़ेगा लड़कियों को. तो हमने धीरे धीरे लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया स्कूल में करा हमने. और मैंने स्कूल में जैसे कि आपने वो मुद्दा सुना होगा कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा. अब सरकारी स्कूलों में तो वॉशरूम ही नहीं है तो भाई बेटी पढ़ेगी कहाँ से. एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है आप मतलब हम सबके बहन बेटियाँ हैं अगर किसी स्कूल में या किसी घर में वॉशरूम ना हो तो क्या वो वहाँ जाएंगे क्योंकि ये तो एक नेसेसिटी है. तो हमने अपने स्कूल में 3 से 4 वॉशरूम बनाए जिससे कि 300 लड़कियों ने स्कूल में एनरोल किया. अभी मैं आपको फ़ोटो शेयर करूंगा वो. अब ये फ़ोटोज़ कुछ हैं जिनसे हम इंदिरा आवास योजना एक आवास सरकार की स्कीम है जिसमें गरीब को कुछ राशि देती है सरकार नगद राशि देती है जिससे वो अपना घर बनाए. आप सोच भी नहीं सकते सरकार इतनी मदद करती है आप लोगों की कि अब मैं आपको बता नहीं सकता बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त कम है मेरे पास. आपको हर एक स्टेप पे सरकार आपकी मदद करती है आपके घर के मतलब कि पेंट करने के पैसे भी सरकार देती है और क्या लेंगे आप सरकार से. तो ये एक वो स्कीम है ये कच्चे घरों को पक्का करने की सरकार पैसे देती है. हमने यहाँ ये एक पक्का घर बनवाया हुआ है आप देख सकते हैं 1,20,000 रुपये सरकार देती है इसके जो हमने इनके लिए घर बनवाया है. ये हमने 96 और मैं आपको बता दूँ मेरा गांव ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज है ODF फ्री विलेज जिसमें मैंने 96 टॉयलेट्स बनवाए और 50,000 रुपये की नकदी राशि भी मिली हमारे गाँव को. बहुत भारी अमाउंट था लेकिन. तो उसके बाद हमने आगे चलते हैं ये देखिए ये हमारे स्कूल की कुछ तस्वीरें हैं. अब अगर एक इंसान को अगर देश से प्यार नहीं होगा तो वो गांव से अपने प्यार कैसे करेगा. लोगों को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस में फ़र्क ही नहीं मालूम. मेरे को नहीं पता शायद आप लोगों को हिंदी में स्वतंत्र गणतंत्र का मतलब पता ही नहीं. मैं बता सकता हूँ 2-4 ऐसे मिल जाएंगे उनको नहीं मालूम होगा यहाँ. हाँ ये हंसने की ज़रूरत नहीं है एक हाँ ज़रूर बैठा होगा यहाँ ज़रूर बैठा होगा. तो अब जब हम गए तो हमने देखा कि यार ये लोगों को नहीं पता क्या होता है रिपब्लिक डे क्या होता है इंडिपेंडेंस डे. बस हाँ भाई 26 जनवरी का भाई 26 जनवरी को है 15 अगस्त का भाई 15 अगस्त को छुट्टी है बस यहाँ उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है. अब उन्हें हमने बताया कि भाई ऐसा नहीं है 26 जनवरी को हमारा जो शासन जो हमारा लॉ है उससे रिलेटेड है और जो हमारा 15 अगस्त है हमारी मतलब आज़ादी मिली थी. तो अब हम क्या करते हैं अपने सरकारी स्कूल में हम झंडा फहराते हैं दोनों दिन और एक बड़ी गैदरिंग करते हैं. बड़ी गैदरिंग हम कैसे करते हैं अब भाई झंडा फहराने तो कोई आएगा नहीं अब हम वहाँ लड्डू रखते हैं भाई जो अब प्रोग्राम से निकलेगा उसको हम प्रसाद देंगे. तो भाई 2-2, 3-3 लड्डू सबको देने पड़ते हैं. तो वो आते हैं हम और झंडा जो हम फहराते हैं वो मेरा मेन मुद्दा रहता है मैं एक किसी भी महिला से फहराऊं जिसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा हो इन टर्म्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ विलेज. ये मैं करता हूं ऐसा. ये आप देख भी सकते हैं कि इसमें लड़कियां खड़ी हैं या तो कोई सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो गाँव में या किसी ने कोई सरकारी स्कूल है एक ही स्कूल है वहाँ पर या उसने कुछ उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा हो मेन स्पोर्ट्स मेन एजुकेशन में एनीथिंग. तो मैं मेरा सबसे पहला फोकस वही रहता है और मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं किसी ना किसी लड़की से ही फ्लैग को होस्ट कराऊँ. तो आप इसमें देख सकते हैं लड़कियाँ ही कर रही हैं और ये देखिए ये तो बच्चे बैठे हैं आप इनको देखिए देश से प्यार देखी ना कैसे जगाया है मैंने. ये हाथ में झंडा लेके बैठे हैं इन्हें हिंदुस्तान लिखना नहीं आता होगा हिंदी में लेकिन यही ये बस ये ग्रास रूट लेवल है हमने इन्हें यहीं से शुरू करना है. देश की जो प्रेमी जो भक्ति है वो यहीं से तो डालनी है. अब जब इन्हें शुरू से ही नहीं पता होगा तो ये कहाँ कुछ करेंगे. फिर हमने इसमें देख सकते हैं जो आपको गुलाबी उसमें देख रहे हैं ये सब स्कूल की लड़कियां हैं सरकारी स्कूल की. आप देख सकते हैं इनके नंबर्स देख सकते हैं इन बच्चों के और ये भीड़ देख सकते हैं आप जो ये रिपब्लिक डे के लिए और 15 अगस्त के लिए हम प्रोग्राम करते हैं.
ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब गांव में बुजुर्ग, युवा और बच्चे, इन तीनों से एक सरपंच प्रतिनिधि का सबसे मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों से हमारा मेल मिलाप क्यों जरूरी है? बुजुर्ग जो बीत चुका कल, जिन्हें हमने ये बताना है कि भाई अब आपकी बीत चुकी है, ठीक है भाई, देखो सच्चाई बात है, सच है भाई, देखो अब आपका वक्त जा चुका है, वो कच्चे घर और वो खुले में शौच अब आप अपने साथ ही लेके जाना, ठीक है, यहाँ और यहाँ मत ट्रांसफर करके जाना उसको तो हम इनसे बात करते हैं, इनको हम अब युवाओं से हम इनसे हम क्यों मिलते हैं, इनसे हम क्या समझाते हैं, भाई तुम नौजवान हो, तुम एक तो ना आपको पता होगा ये आज की सरकार में ना आटे से ज़्यादा ना मुफ्त डाटा है, आटा घर को नहीं है लेकिन डाटा फोन में 500 GB है, फैक्ट है। अब ये यूथ है देश का, कभी भी कहते हैं ना वो अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, तो ये फोन से ना ये 5,000 रुपये में ना आपको ऐसा फोन में, मतलब लग्जरी सस्ती हो गई है और नेसेसिटी महंगी हो गई है, तो ये अब ये 5,000 रुपये का फोन मिल जाता है हमें 500 GB डेटा के साथ, अब हम क्या करेंगे उस फोन से, ये यूथ क्या करेगा मुझे आप बताइए उस फोन से, टू बी वेरी सॉरी बट न्यूसेंस क्रिएट करेगा। इन्हें पता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन्हें पता है GDP क्या होती है, इन्हें पता है पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नहीं इन्हें तो कुछ और पता है क्या होता है, आई एम सॉरी बट ये सच है। तो अब जो सरकार ने भाई फोन तो बांट दिए लेकिन एजुकेशन भी थोड़ी सी बांट देते फोनों के साथ साथ तो ठीक रहता, तो हम इन्हें समझाते हैं, हम इनसे, मेरा कोशिश यही रहती है कि यार इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट ना करके आप लोग प्लीज़ कुछ ऐसा करिए जो आपके घर, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग ग्रामीण बैंकों के कर्जे में होते हैं, उनकी ज़मीनें गिरवी होती हैं ज़्यादातर लोग, और जो यूथ है अगर वो नहीं पढ़ेगा, अगर वो नहीं अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढेगा तो वो और कर्जे में जाएगा। ये बच्चे हैं, अब इनको हम ये समझाते हैं, भाई देख लो उनकी तो बीत गई, ठीक है ये ऐसे कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना है बताओ, तो चुपचाप स्कूल जाओ तो इन्हें स्कूल का रास्ता दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो NGOs चलाते हैं, तो अब मैंने सोचा कि यार एम्प्लॉयमेंट की बात जैसे करते हैं, मैंने एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको बुलाया, कहते हैं ना वो डालेंगे इतना और निकलेगा एक चीज़, कहते हैं ना वो इनपुट बहुत होता है और आउटपुट बहुत कम होता है, तो मैंने इनको बुलाया और मैंने अपने गांव में एक वर्कशॉप कराई। ये क्या करते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं ये, क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन जो होते हैं बच्चे उनको ये लोग 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस ऑफ वर्क ये उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसमें उनको ये इम्प्लॉय करते हैं, इनकी गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होती है इनकी, मतलब ये इनकी कुछ भी जैसे भी करते हैं इनकी कंपनी से टाई अप होते हैं। तो मैंने कम से कम इनको बुलाया और अपने गांव में मैंने एक सेमिनार करके इन सबको, एक चौपाल है हमारे गांव की, इस पर हमने सेमिनार कराया और कम से कम मैंने 50 लोगों को इनरोल कराया उसमें कि आप लोग इनरोल हो जाइए, 3 महीने की आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, और क्या चाहिए आप लोगों को, यहाँ कुत्ते मारने से अच्छा तो कहीं काम करो भाई हकीकत में। तो ठीक है भाई, सब ने कम से कम 50 बच्चों ने इनरोल कराया, अब आई 500 रुपये देने की बारी, भाई 3 महीने के 500 रुपये क्या जा रहे हैं, इट्स जस्ट अ रजिस्ट्रेशन फीस। सब ने कह दिया जी सरपंच तू ही दे हमारे पैसा ने। मैंने कहा ऐसा है, तुम्हारे जो आज इनरोल कराएगा उसके 500 रुपये मैं दूंगा, ठीक है। फिर भी देखिए 3 महीने उनको इतने भारी लग रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, 50 बच्चे वहाँ इंस्टीट्यूट गए, उनमें से सिर्फ एक बच्चा बचा, आज वो एक बच्चा उनमें से ये है, 18,500 रुपये तनख्वाह ले रहा है, ये 12वीं क्लास का लड़का है, द्वारका में एक काम कर रहा है, कुलदीप सिंह। अब
बस मैंने कह रहा था ना आपसे, चीज डालेंगे, वो कहते हैं ना यार गेहूं तो हमने एक मन डाला था, ये आटा क्यों निकला है 90 किलो, तो वो आउटपुट है ये। अब इसके बाद, अब जितने भी यहां बैठे हैं, जो मतलब नौजवान बच्चे बैठे हैं, वोट वोट कौन कौन किस किसने दिया आज तक? आपने दिए? मुझे पता है, मैं आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे 30-35 साल के भी कुछ हैं जिन्होंने वोट नहीं दी होगी आज तक। पक्का होंगे, हैं जरूर होंगे। खैर, मेरा तो निशान अब तक गया नहीं है वोट का। आप वोट जरूर दिया करिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप रेस्टोरेंट जाएंगे, मेरे साथ रेस्टोरेंट चलिए, आप कोई खाना खाने चलते हैं, तो मैं अपने मन के ऑर्डर कर दूंगा, तो फिर आप मुझसे कहोगे यार नासिर ये क्या मंगा लिया तुमने। मैं कहूँगा भाई तेरे पास चॉइस थी, तेरे पास चॉइस थी, तूने क्यों नहीं मंगाया? मैं तो कबाब ही खाऊंगा, तेरा पनीर मैंने नहीं मंगाया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं जो मैं कहता हूं, सिस्टम समझने के लिए सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जब आप वोट ही नहीं दोगे किसी गवर्नमेंट को, तो आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को कि भाई तुम खड़े थे क्या लाइनों में वोट देने के लिए? नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज, जिन्होंने आज तक वोट नहीं दिए, आपकी भाई इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली के, 8 फरवरी को इलेक्शन है, वोट दीजिएगा। मतलब मे बी एनी गवर्नमेंट, आप लोग को वोट देनी है, आप लोग प्लीज सिस्टम का पार्ट बनिए। हम आगे चलते हैं, तो ऐसी ही हमारी कुछ ग्राम सभाएं होती रहती हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स हम बहुत करते हैं। हमने कम से कम, ओ टाइम, सॉरी टाइम मेरा चला रहा है, जल्दी जल्दी मैं फिनिश करूंगा। प्लांट कम से कम हमने 1,000 पेड़ लगाए अपने गाँव में, जिनमें से, अब ताली नहीं मारेंगे आप, एक और बात बताऊंगा, जिनमें से बकरियां खा गई आधे, क्योंकि बकरियां खुली चलती है ना। अब हमने ऐसे बहुत सारे काम किए, वुमेन सेफ्टी के ऊपर हमने अपने गांव में प्रोग्राम कराए, ये फरीदाबाद की वुमेन ACP हैं जिनको हमने बुलाया और थोड़ा एक लोगों को जागरूक करवाया, उनके बेसिक जो उनके लॉज है महिलाओं के, उनको हमने समझाया। अब और एंड में मुझे क्या चीज़ एक है जो मोटिवेट करती है? कुछ नहीं, वो इनकी स्माइल है, इन लोग की, कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलता है। मैं आपको बताऊंगा ना मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है सरकार से, आप सब हंसोगे, 3,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, लेकिन मुझे वो 3,000 नहीं चाहिए, मुझे 3,000 दुआएं चाहिए इनकी, इन लोग की। और मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब से एक बात और कहूंगा, आप कह रहे थे सोल्जर्स के लिए, हमारे गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक जवान थे, उनका वो शहीद हो गए, तो उनकी जो विधवा, जो उनकी वाइफ थी, हमने उनको अपनी ग्राम पंचायत में से 250 गज का प्लॉट उनके नाम रजिस्ट्री करा के हमने उन्हें दिया। और पूरे हरियाणा में ये पहली एक ऐसा गांव था जिसने ये कार्य किया, गांव बीजापुर। और भी हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, ज़्यादा करने के लिए आप गांव बीजापुर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद आइए, मेरे से संपर्क करिए, मेरे गांव घूमिए देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद टेड एलकॉन स्कूल का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे विचारों को सुनने के लिए, धन्यवाद।